हेलो एवरीवन, पिछली बार हमने इनवर्स फंक्शंस को सीखा और उसमें हमने ये भी देखा कि किस प्रकार के फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जो फंक्शन 1 1 on 2 होते हैं वही फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होते हैं, और इन्वर्टिबल फंक्शन हम कैसे प्रूव करें और किसी फंक्शन का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें, इसके जो है क्वेश्चंस के माध्यम से हमने ये भी जाना। आज की इस वीडियो में हम जो कंपोजिट फंक्शन है उसके इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस का जो इन्वर्स होता है वो इंडिविजुअल फंक्शन के इन्वर्स से किस तरह से रिलेटेड होता है, और ये हम एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। ये एग्जाम्पल हालांकि काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो शुरू करते हैं। कंसिडर एफ सच दैट इट इज़ फ्रॉम a set containing 1 2 3 to a set containing abc and another function g which is from abc to another set containing apple ball cat। और ये इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि f 1 is equal to a, यानी ये फंक्शन जब इस 1 पर ऑपरेट होता है तो हमें a मिलता है। सिमिलरली ये फंक्शन जब 2 पर ऑपरेट होता है तो b मिल रहा है, 2 पर ऑपरेट होते ही b मिल रहा है, c पर 3 पर ऑपरेट होने से c मिल रहा है। सिमिलरली जो g फंक्शन है ये भी बहुत आसान सा है, इसको जब ए पर ऑपरेट होता है तो हमें इमेज एप्पल मिलती है, और व्हेन जी फंक्शन इज ऑपरेटेड ऑन बी वी गेट बॉल। सिमिलरली व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन सी वी गेट कैट एज एन इमेज। तो अब हमें ये शो करना है कि ये जो एफ जी और जी ओ एफ है ये इन्वर्टिबल है। पहले तो हमें ये शो करना है, और इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमें ये सिंपली ये शो करना होगा कि एफ जी एंड जी ओ एफ ऑल आर 1 1 on 2। अगर हम ये शो कर देते हैं तो ये इन्वर्टिबल हो जाएंगे। उसके बाद हमें इस f का इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, और चूंकि f जो है हमें ये जो फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में है तो f इन्वर्स बताने के लिए हमें फंक्शनल फॉर्मूला नहीं देना है, बल्कि f इन्वर्स जब 1 पर ऑपरेट किसी भी इसके जो डोमेन्स के एलिमेंट पर ऑपरेट होता है तो हमें क्या क्या मिलता है ये हमें बताना होगा। सिमिलरली g इन्वर्स जब किसी डोमेन के एलिमेंट पर ऑपरेट होता है तो इमेज क्या आएगी वो हमें बताना है। सिमिलरली जी ओ एफ इन्वर्स भी हमें फाइंड आउट करना है, और फिर फाइनली हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये भी शो करना है कि जो कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ का इन्वर्स जो है वो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स होता है। तो ये सब कुछ हमें इस एग्जाम्पल में हमें शो करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में जो फंक्शन एफ और जी था, एफ के डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट मैंने यहाँ लिखे हैं। सिमिलरली जो जी फंक्शन है उसके भी डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं, और एफ फंक्शन के अंडर में इस 1 की इमेज क्या है वो मैं यहाँ रिलेट की हुई है। तो फंक्शन एफ के अंडर इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, सिमिलरली इमेज ऑफ 2 अंडर दिस फंक्शन एफ इज इक्वल टू बी, इसी तरह से ये सब कुछ है। तो ये जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारा यहाँ पर शो किया हुआ है। अब इसमें देखिए, जब फंक्शन एफ फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट एंड अनदर फंक्शन जी फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, देन जी ओ एफ विल बी अ फंक्शन फ्रॉम दिस इनिशियल सेट टू दिस फाइनल सेट। ये होगा क्योंकि इसमें हम जी ओ एफ लिखते समय जो फंक्शन लास्ट में होता है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर और लिखने के बाद ये जो पहला है उसको हम लिख देते हैं। तो इस तरह से जी ओ एफ हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैं लिखा एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस, ये क्यों है वो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि f 1 1 फंक्शन है ऑब्वियसली, बिकॉज 1 एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1 एलिमेंट ओनली, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो दिस फंक्शन इज 1 1। सिमिलरली एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ द डोमेन, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। सिमिलरली वी कैन से दैट g फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू ऑल्सो, बिकॉज नो एलिमेंट इन दिस कलेक्शन इज लेफ्ट आउट, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, सो जी फंक्शन एंड एफ फंक्शन बोथ आर 1 1 on 2। तो सिमिलरली हम सबसे पहले तो ये फिगर बनाकर ये शो कर देंगे कि बोथ दी फंक्शंस आर 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ एंड जी आर बायजेक्टिव फंक्शंस। और हम जानते हैं कि जब भी कोई फंक्शन बायजेक्टिव होता है यानी 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। सो दिस फंक्शन एफ एंड जी बोथ आर इन्वर्टिबल, तो ये तो शो हो जाता है कि दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि अब दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f है तो f इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब f के अंतर्गत 1 की इमेज a है तो f इनवर्स जस्ट उल्टा काम करेगा, a को वापस 1 से रिलेट करेगा,
इसलिए ए की इमेज जो है वापस 1 आएगी अंडर दिस फंक्शन एफ इनवर्स. सिमिलरली 2 की इमेज बी आती है अंडर एफ, देन इमेज ऑफ बी अंडर एफ इनवर्स विल बी 2. तो इस तरह से हम एफ इनवर्स को लिख सकते हैं. तो ये जो एफ इनवर्स है ये वापस जो है सेट एफ के कोडोमेन के एलिमेंट्स को वापस डोमेन के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है. तो एफ एफ इनवर्स, तो ये हो गया एफ इनवर्स ओ एफ. और एफ इनवर्स ओ एफ लिखने का तरीका, पहले हम बाद का जो फंक्शन है ये वाला बाद का फंक्शन ये हम पहले लिखेंगे, फिर ओ लिखने के बाद फिर ये लिख देंगे जो कि हमने पहले भी किया है. तो इस तरह से ये एफ इनवर्स ओ एफ है. अब देखिए एफ इनवर्स ओ एफ किस तरह का फंक्शन है ये देखें हम, कि ये अल्टीमेटली जो है एफ इनवर्स ओ एफ का जो डोमेन है वो तो ये है, इसके एलिमेंट्स तो 1, 2, 3 है, और इसका जो कोडोमेन है उसमें भी एलिमेंट 1, 2, 3 है, और ये डोमेन के किसी एलिमेंट पर ऑपरेट होता है, जैसे मान लीजिए 1 पर ऑपरेट होता है तो फाइनली हमें 1 मिल रहा है. सिमिलरली ये जब 2 पर ऑपरेट होता है तो फाइनली हमें वापस 2 मिल रहा है, या 3 पर ऑपरेट होता है तो फाइनली हमें 3 मिल रहा है. तो एफ इनवर्स ओ एफ जो है वो इस सेट के एलिमेंट्स जो 1, 2, 3 है इन्हीं इसको इसी सेट के एलिमेंट से वापस रिलेट कर रहा है, और कोई भी एलिमेंट जो है वो खुद से ही रिलेट हो रहा है. तो एफ इनवर्स ओ एफ एक्चुअली एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इट रिलेट्स एवरी एलिमेंट टू इटसेल्फ. अल्टीमेटली देखिए 2 जो है वो 2 से रिलेट हो रहा है, 3 जो अल्टीमेटली 3 से रिलेट हो रहा है अंडर दिस फंक्शन एफ इनवर्स ओ एफ. सो एफ इनवर्स ओ एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, और ये होना भी चाहिए क्योंकि एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ इनवर्स ओ एफ हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा. अब देखिए इसमें जो एफ इनवर्स फंक्शन है वो इस सेट विच कंटेंट्स ए बी सी से दूसरा जो सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 उस पर ये एफ इनवर्स फंक्शन जो है डिफाइन है. इसके बाद ये जो एफ इनवर्स है ये जब 1 पर ऑपरेट ए पर ऑपरेट होता है तो हमें वापस 1 मिलता है, बी पर ऑपरेट होता है तो 2 मिलता है, सी पर ऑपरेट होता है तो 3 मिल रहा है. तो इस तरह से जो है ये जो पूरा फंक्शन जो क्वेश्चन में पूछा था कि एफ इनवर्स फाइंड आउट करें, तो एफ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एफ इनवर्स का डोमेन कोडोमेन और ये जिन जिन एलिमेंट्स पर ऑपरेट होता है उनकी क्या क्या इमेज बनाता है ये सब हमें लिख देना है, तब जाकर हम जो है एफ इनवर्स को पूरी तरह से डिफाइन कर पाएंगे. तो ये इस तरह से हमें आंसर लिखना है जब भी एफ इनवर्स पूछा जाता है. तो कोई भी फंक्शन पूछा जाता है तो उसका डोमेन कौन से डोमेन से कौन से कोडोमेन तक है, किस सेट से किस सेट में वो फंक्शन डिफाइन है, और सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स पर ये जब फंक्शन ऑपरेट होगा तो इमेजेस क्या क्या बनेगी, ये सारी चीज़ें हमें बता देनी है. तो हमने एक तरह से उस फंक्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है. तो इस तरह से हमें एफ इनवर्स लिखना है. और यहाँ ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया ताकि ये पता लगे कि एफ इनवर्स ओ एफ जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन है. सिमिलरली देखिए एफ इनवर्स ओ एफ देखा था, अब एफ ओ एफ इनवर्स देखिए. एफ ओ एफ इनवर्स इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन, बट इन दिस केस दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑपरेटिंग ऑन दिस सेट ए बी सी विच इज कंटेनिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी, इन पर ऑपरेट हो रहा है. पहले जो एफ इनवर्स ओ एफ था वो 1, 2, 3 पर ऑपरेट हो रहा था. देखिए ये जो एफ इनवर्स ओ एफ है ये 1, 2, 3 पर ऑपरेट हो रहा था और 1, 2, 3 आंसर आ रहे थे. और यहाँ पर हम देखें कि एफ ओ एफ इनवर्स भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो सेट कंटेनिंग ए बी सी पर ऑपरेट हो रहा है. और यहाँ पर जब ये ए पर ऑपरेट होगा ये पूरा एंटायर फंक्शन तो वापस ए मिल रहा है, इसी तरह से बी पर ऑपरेट होने से बी मिल रहा है, सी पर ऑपरेट होने से सी मिल रहा है. तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है. तो एफ ओ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ओ एफ बोथ विल बी आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट सेट पर होंगे. ये जो आई आइडेंटिटी फंक्शन है ये इस सेट ए बी सी पर डिफाइन है, और वो जो दूसरा पहले जो आ रहा था वो इस सेट पर 1, 2, 3 पर डिफाइन था. इसी तरह देखिए आप इसमें जी इनवर्स ओ जी फंक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं. हमें पता है जी फंक्शन जो है वो सेट कंटेनिंग ए बी सी टू सेट कंटेनिंग एप्पल बॉल कैट इस पर डिफाइन है. तो डेफिनेटली जी इनवर्स चूँकि एग्जिस्ट करता है, जी 1, 1, 1, 2 होने की वजह से जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जी इनवर्स जो है वो जस्ट रिवर्स वर्क करेगा. जी फंक्शन के अंडर में अगर सेट किसी एलिमेंट ए की जो इमेज है वो एप्पल आ रही है तो जी इनवर्स जो है इस एप्पल कि वापस जो इमेज है वो ए बना देगा, जैसे यहाँ ए बन रही है तो ये जी इनवर्स जस्ट रिवर्स वर्क कर रहा है. सिमिलरली इमेज ऑफ बी अंडर दिस फंक्शन जी इज बॉल, देन इमेज ऑफ बॉल अंडर फंक्शन जी इनवर्स इज अगेन बी. तो इस जी इनवर्स ओ जी फंक्शन में हम देखें जी इनवर्स ओ जी में
तो अल्टीमेटली ये ए को ए से रिलेट कर रहा है, बी को बी से रिलेट कर रहा है, सी को सी से रिलेट कर रहा है। तो यदि हम इस जीनवर्स फंक्शन को लिखना चाहेंगे तो जीनवर्स फंक्शन को लिखने के लिए हमें एक तो ये बताना पड़ेगा कि जीनवर्स का डोमेन क्या है। तो यहाँ एप्पल बॉल कैट ये इसकी डोमेन है, फिर जी इनवर्स की कोडोमेन यहाँ ए बी सी है। तो ये हमें लिखना होगा जब भी पूछे कि फाइंड जी इनवर्स, तो हमें ये लिखना है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जी इनवर्स इसके जो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स पर ऑपरेट होता है तो इमेज क्या क्या आती है। तो यहाँ देखिए फिगर में क्लियर है कि एप्पल इमेज ऑफ एप्पल अंडर जी इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो इसको हम यहाँ शो करेंगे जी इनवर्स व्हेन ऑपरेटेड ऑन एप्पल वी गेट ए। सिमिलरली जी इनवर्स व्हेन ऑपरेटेड ऑन बॉल वी गेट बी। सिमिलरली जी इनवर्स व्हेन ऑपरेटेड ऑन कैट वी गेट सी। यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है एप्पल जो है इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, ज़्यादा बेटर होगा कि इसको जो है हम यहाँ पर जो है इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखें ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये ऐसा लगेगा जैसे ये कोई सिंगलटन सेट है। तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। पिछले क्वेश्चन जो एफ इनवर्स में भी लिखा था तो उसको भी आप इस तरह से ही समझें। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ जी ओ जी इनवर्स को भी हम यहाँ ऐसे समझा सकते हैं कि जी ओ जी इनवर्स इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये जिस सेट पर डिफाइन है उस सेट के एलिमेंट्स यहाँ एप्पल बॉल कैट है, और पहले जो जी इनवर्स ओ जी भी एक आइडेंटिटी फंक्शन था लेकिन उसमें ये जो आइडेंटिटी फंक्शन जिस सेट पर डिफाइन था उस सेट के एलिमेंट्स यहाँ ए बी सी हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, हालांकि जी ओ जी इनवर्स और जी इनवर्स ओ जी दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर उसके इनवर्स के साथ कंपोजिट करके हम कोई नया फंक्शन बना रहे हैं तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन आना ही है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए शो किया ताकि आप समझ सकें कि एफ ओ एफ इनवर्स एफ इनवर्स ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, सिमिलरली जी ओ जी इनवर्स और जी इनवर्स ओ जी ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। अब हम वापस आते हैं कि हमने जो कंपोजिट फंक्शन लिखा था शुरू शुरू में एफ और जी के कॉम्बिनेशन से मिलकर, तो ये जी ओ एफ हमारे पास ये था। तो जी ओ एफ अल्टीमेटली कर क्या रहा है कि ये वन की जो इमेज है वो एप्पल बना रहा है, सिमिलरली जी ओ एफ जो है टू की इमेज बॉल आ रही है अंडर दिस फंक्शन जी ओ एफ। सिमिलरली इमेज ऑफ थ्री अंडर दिस फंक्शन जी ओ एफ इज इक्वल टू कैट। तो इसको हम जो है बीच वाले पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज हमें केवल इस पर देखना है कि जी ओ एफ एक्चुअली कर क्या रहा है। तो जी ओ एफ इज प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ वन इक्वल टू एप्पल, सिमिलरली इट इज़ प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ टू एज बॉल। इस तरह से यह जी ओ एफ फंक्शन है हमारे पास। अब हम जो है जी ओ एफ के इनवर्स की बात करेंगे कि जो जी ओ एफ का इनवर्स किस तरह का होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यूँ करते हैं कि जी ओ एफ अगर फंक्शन हमारा इस तरह का है, अभी देखा था कि ये वन को एप्पल से, टू को बॉल से और थ्री को कैट से रिलेट करता है, तो हम जी ओ एफ का जो इनवर्स है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ठीक इसके रिवर्स में कि ये एप्पल एप्पल बॉल कैट इस सेट के एलिमेंट्स को वन टू थ्री दूसरे जो सेट है जिसमें वन टू थ्री एलिमेंट्स है उनसे रिलेट कर रहा है। तो हम जी ओ एफ का जो होल इनवर्स है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। जी ओ एफ क्या था, जी ओ एफ जो फंक्शन था इसका डोमेन वन टू थ्री था, तो हम जी ओ एफ के इनवर्स में उसको यहाँ ले लेते हैं, कोडोमेन बना लेते हैं। और यहाँ जो कोडोमेन दिख रहा है एप्पल बॉल कैट उसको हम जी ओ एफ होल इनवर्स की डोमेन बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दूसरा जी ओ एफ क्या करता है, वन की इमेज एप्पल बनाता है। तो अब ये जो जी ओ एफ होल इनवर्स है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन एप्पल तो ये वापस वन आ जाएगा। इस तरह से हमें इसको डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हम इसको जब डिफाइन कर लेते हैं अब हमें ये शो करना है कि जी ओ एफ होल इनवर्स जो ये हमने इस तरह से जो फंक्शन डिफाइन किया ये वाला ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है पहले तो, और दूसरा ये एग्जिस्ट करने के बाद फिर अगर हम इस फंक्शन जी ओ एफ होल इनवर्स जो है वो वास्तव में इसका इनवर्स है, जी ओ एफ का इनवर्स है, ये हमें देखना है। तो इसमें देखिए जी ओ एफ का जो इनवर्स है वो इस तरह का हमें हमने अजम्पशन लिया है कि जी ओ एफ इस तरह से वर्क करना चाहिए एप्पल वन बॉल टू कैट थ्री इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह का फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं पहले कि मान लीजिए इस तरह फंक्शन एग्जिस्ट करता है और ये मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ और ये एक फंक्शन है क्योंकि ये वन वन ऑन टू है तो फंक्शन है, ये वन वन ऑन टू है इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं कि जो हमने फंक्शन लिया था जी ओ एफ और एक अनदर फंक्शन अभी डिफाइन किया हमने जी ओ एफ होल इनवर्स, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो फंक्शन है उसको हम देखते हैं कि वो कैसा फंक्शन है। तो देखिए ये जो लिखा है इनका कॉम्बिनेशन से लिखने वाला फंक्शन, इसमें हम कर क्या रहे हैं,
इसमें लिखने का तरीका वही है, जो बाद का फंक्शन है जी ओ एफ होल इनवर्स उसको पहले लिखा है, और जो पहले था जी ओ एफ उसको यहाँ लिखा है। इस तरह से हमने इसका कंपोजिट फंक्शन बनाया है। और ये कंपोजिट फंक्शन हम देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि ये अल्टीमेटली वन की इमेज वन बना रहा है, टू की इमेज टू बना रहा है, थ्री की इमेज थ्री बना रहा है, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब ये इसी तरह से हम इसका रिवर्स देखते हैं, इसका रिवर्स देखते हैं कि अगर हम ये तो था जी वाई एफ होल इनवर्स, यहाँ जी वाई एफ होल इनवर्स बाद में है, तो इसमें हमने एप्पल से शुरू करते हैं और एप्पल की इमेज वन बना रहा है ये जी वाई एफ होल इनवर्स फंक्शन हमारा, और फिर बाद में देखिए वन की इमेज जो है वो एप्पल बन रही है अंडर दिस फंक्शन जी वाई एफ, और इसी तरह से बाद के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेज भी ऐसे ही है। तो अब यहाँ जो इनका जो कंपोजिट फंक्शन लिखा है वो उसमें बाद का जो फंक्शन जी वाई एफ है वो पहले लिखा है, फिर ओ लिखने के बाद फिर जी वाई एफ होल इनवर्स हमने यहाँ लिखा है। तो हम देखते हैं ये फंक्शन हमारा कंपोजिट फंक्शन बन रहा है इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन से। और अब इन दोनों के कंपोजिशन से बनने वाला जो ये फंक्शन आ रहा है ये कर क्या रहा है, ये एप्पल की जो इमेज है वो एप्पल बना रहा है। सिमिलरली जब ये बॉल पर ऑपरेट होता है तो हमें वापस बॉल मिल रहा है, इसी तरह से कैट पर ऑपरेट होने पर वापस केट मिल रही है, तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम देखते हैं कि हमने जो नया फंक्शन डिफाइन किया था जी वाई एफ होल इनवर्स, ये ऐसा फंक्शन है कि व्हेन इट इज कंपोज्ड विद फंक्शन जी ओ एफ व्हाट वी गेट, वी गेट एन आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए यहाँ इसको जब इसके साथ कंपोजिशन किया तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिला। सिमिलरली जी ओ एफ ओ जी ओ एफ होल इनवर्स इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जी ओ एफ का जो होल इनवर्स है वो एक इसका इनवर्स है, जी ओ एफ का इनवर्स है, ये तो कन्फर्म हो गया कि ये इसका इनवर्स है। अब हम ये देखेंगे कि जी ओ एफ का जो होल इनवर्स है ना वो उसमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि जी ओ एफ का होल इनवर्स जो है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, ये हम शो करेंगे। यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि जी ओ एफ जो है इन्वर्टिबल है, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था जी ओ एफ का इनवर्स वो एक ऐसा फंक्शन हमने ढूंढ लिया जो इसके साथ कंपोजिशन होने पर हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, तो जी ओ एफ इन्वर्टिबल तो हो गया। अब जी ओ एफ जब इन्वर्टिबल है, अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ हमने जब इसको डिफाइन किया था उस समय ये हमें पता नहीं था कि ये जी ओ एफ का जो इनवर्स हम नोटेशन दे रहे हैं ये जो है ये इस ओरिजिनल फंक्शन जी ओ एफ का इनवर्स है, ये हमें अभी पता नहीं है, लेकिन जी ओ एफ इनवर्स हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से डिफाइन किया। उसके बाद में जब हमने इनका जो कंपोजिशन देखा ओरिजिनल फंक्शन जी ओ एफ के साथ इस जी ओ एफ होल इनवर्स का कंपोजिशन देखा तो हम पाते हैं कि वो एक आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। तो हमारी जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग अगर किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के साथ कंपोजिट करने पर हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाता है। तो यहाँ ये इन्वर्टिबल हो गया है, जी ओ एफ जो है जी ओ एफ इनवर्स जो है वो एक्चुअली इस जी ओ एफ का इनवर्स ही है, ये कन्फर्म हो गया है, जी ओ एफ इन्वर्टिबल है, ये भी कन्फर्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि जी ओ एफ होल इनवर्स जो है वो ये है, एप्पल को वन से, बॉल को टू से और कैट को थ्री से रिलेट कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं ये जो फंक्शन था जी इनवर्स और एफ इनवर्स वो देखते हैं, जी इनवर्स क्या फंक्शन था, जी जो था वो ए को एप्पल से रिलेट करता था, तो जी इनवर्स जो है एप्पल को वापस ए से कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली एफ जो था वो वन को वन की इमेज ए बना रहा था तो एफ इनवर्स ए की इमेज वन बनाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से शो कर सकते हैं जी फंक्शन को, जी इनवर्स फंक्शन को, कि ये एप्पल की इमेज ए बनाता है और जी इनवर्स अंडर जी इनवर्स इमेज ऑफ बॉल इज बी और इमेज ऑफ कैट इज सी अंडर जी इनवर्स। सिमिलरली इमेज ऑफ ए अंडर एफ इनवर्स इज वन और इसी तरह से बी की इमेज टू और सी की इमेज थ्री है। अब देखिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हम देखें तो एफ इनवर्स जो ओ जी इनवर्स ये इस सेट के एलिमेंट्स को इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ एफ इनवर्स बाद में है तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये जो पहले वाला जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये ऐसा लिखना लिखने का तरीका ये है कंपोजिशन में, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज ए फंक्शन विच इज फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, तो इस तरह से है। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जो है ये जो काम कर रहा है, और यहाँ देखिए जी ओ एफ होल इनवर्स ये जो काम कर रहा है दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ देखिए जी ओ एफ होल इनवर्स क्या है, एप्पल की इमेज वन बनाता है। सिमिलरली एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ये भी एप्पल की अल्टीमेट इमेज वन बना रहा है, बॉल की इमेज यहाँ टू बन रही है और केट की इमेज यहाँ थ्री बन रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जी ओ एफ इनवर्स इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों सेम है, इसका जो कोडोमेन है और इधर जो कोडोमेन है ये भी सेम है, और ये जो इमेजेस का जो तरीका है इमेज प्रोड्यूस करने का तरीका इसमें जो है सेम तरीका यहाँ है, एप्पल की वन तो यहाँ भी एप्पल की वन, बॉल की इमेज टू तो यहाँ भी बॉल की इमेज टू, यहाँ कैट की इमेज थ्री तो यहाँ कैट की इमेज थ्री। इट मीन्स दिस एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स विल बी इक्वल टू दिस जी ओ एफ होल इनवर्स के इक्वल होगा, ये हम यहाँ समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने वेरीफाई कर लिया है।
कि जी ओ एफ होल इनवर्स जो है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल होता है, लेकिन ये हमने वेरीफाई किया है, प्रूव नहीं किया है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने ये देखा है कि जी ओ एफ होल इनवर्स जो है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होता है, लेकिन बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो है ये हमेशा हमेशा ट्रू होता है। हम कोई भी दो फंक्शन एफ और जी अगर वन वन ऑन टू होते हैं तो जी ओ एफ इन्वर्टिबल होता है, और उसका जो इन्वर्स होता है जी ओ एफ होल इन्वर्स ये एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स की इक्वल होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम एक थ्योरम के माध्यम से इसको प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।